आज हम लेकर आए हैं एक नई ट्रिक डिगी स्मॉल के लिए, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगी, जिसका आप यूज करके आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं और आपके जो पुराने लॉसेस हैं वो आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लाकर रख लें, क्योंकि उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रिक है काफी डिफिकल्ट है लेकिन काफी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आप क्या करें, कॉपी पेन लाएं और उसको ध्यान से समझें और लिखते जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप ये जो लेवल लिख लीजिए जिसका अमाउंट 1000 से 2000 के बीच, उसके लिए लेवल ये होगा आपका, देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और हमें आपको एक बार बता दें कि ये अंडर लेवल 4 ट्रिक है, जिसमें कि आप लेवल 4 तक ही मैक्सिमम यूज करेंगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका लेवल 1 में होगा 10 रुपीज, लेवल 2 में 20, लेवल 3 में होगा 50 और लेवल 4 में होगा आपका 110। और जिसके वॉलेट में 4000 से 5000 के बीच अमाउंट है, वो क्या यूज करेगा, जो लेवल होगा उसका लेवल 1 होगा 30, 70, 150 और 350। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। देखिए क्या होता है आपका, कि जब भी आपका लॉस होता है तो आप पैटर्न के अगेंस्ट जाते हैं तभी आपका लॉस होता है। जो ट्रेंड चलता है ना आपका, अगर आप उसके अगेंस्ट है तभी आपका लॉस होगा, नहीं तो आप लॉस नहीं करते हैं। तो आज हम वही ट्रिक लेकर आए कि आपको पैटर्न कैसे फॉलो करना है। देखिए जो आपका सबसे पहला पैटर्न है आपका क्या है, ये पैटर्न तो सबने देखा होगा, यहाँ 2 बिग 2 स्मॉल। देखिए जब भी यहाँ 2 पैटर्न बन जाए आपका, यहाँ पर 2 स्मॉल 2 बिग का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, कि इसमें आपको यहाँ बिग में एंट्री लेनी है। यहाँ का बिग मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका पीरियड नंबर चल रहा है यहाँ पर 99, तो आपको 99 में एंट्री लेनी, कि इसमें बिग में एंट्री लेनी है आपको। आई होप कि समझ गए होंगे आप। मान लीजिए यहाँ आपका लॉस हो गया, आपने 10 रुपये से लिया था, तो आपको यहाँ लिख कर रखना है कि आपको लॉस हुआ कितने का, यहाँ पर आपको 10 रुपये का लॉस हुआ लेवल 1 पे। फिर उसके बाद जब भी ये पैटर्न बने आपको, तो आपको लेवल 2 पे लेना है यहाँ पर 20 रुपये से एंट्री। तो ऐसे करके आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, आपको पैटर्न टू पैटर्न फॉलो करना है, ट्रेंड जो चल रहा है आपको वही फॉलो करना है और आपको बाकी उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। मान लीजिए यहाँ पर एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तीसरे चौथी बार में आपका ट्रेंड एक बार आ ही जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे जो आपका जो पैटर्न होता है हम उस पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या था, जस्ट उसका अपोजिट है। जब भी क्या हमने देखे थे, आप 2 बिग था और 2 स्मॉल, ठीक है, अब यहाँ पर उसका अपोजिट देख रहे हैं। क्या है यहाँ पर आपका, 2 स्मॉल है और 2 बिग है यहाँ पर। यहाँ पर एंट्री लेनी है आपको स्मॉल के लिए। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ भी आपका लॉस हो गया, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि आपको इतना का लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ये पैटर्न बने, तो आपको लेवल 2 में यहाँ पर 20 रुपये से लेने हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जो ट्रिक है ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, आप इसका यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा, आप डेली प्रॉफिट बनाएंगे इसमें। अब बस आप इस पैटर्न को लिख लीजिए कॉपी में और इसको फॉलो करते रहिए। देखिए मान लीजिए आपका लेवल 2 भी लॉस हो गया, तो आप फिर लेवल 3, जब भी ये पैटर्न बने आपका, तो आपको लेवल 3 में यहाँ पर 50 रुपये से लेनी है। ऐसा सेम करना है, जितने भी पैटर्न है आपको सबके साथ सेम करना है, कॉपी में लिखते जाना कि किस पैटर्न में आपका कितना लॉस हुआ है, ये लिखना। फिर नेक्स्ट टाइम आपको लेवल 2 मेंटेन करके चलना है, उससे लेना है आपको, तो फिर आपका जो पुराना 10 रुपये का लॉस था जो लेवल 1 में, वो रिकवर होगा, प्लस आपका 10 का प्रॉफिट होगा। ऐसे करके सारे पैटर्न में आपको करना है, ये बात माइंड में बिठा लें। चलिए हम चलते हैं जो तीसरा पैटर्न है उस पर चलते हैं। देखिए तीसरा पैटर्न क्या होता है यहाँ पर आपका, 2 बिग, ये 2 बिग है और आपका 3 स्मॉल, बिग में एंट्री लेनी है आपको यहाँ पर। ये आप लिख के रखेंगे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इतना सब माइंड में याद नहीं रखें। यहाँ पर आपका 10 रुपये का लॉस हो गया, मान लीजिए सेम वही रूल अपनाना है सबके साथ, अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में ही लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मेंटेन करना है आपको, अदरवाइज आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी ये भी पैटर्न बने आप, तो आपको क्या करना है, लेवल 1 ही फॉलो करना है, आपको लेवल 2 वहां जंप करके नहीं जाना, आपको लेवल 1 ही फॉलो करते रहना जब तक आपको प्रॉफिट हो जाए। जहां पर लॉस हो आपको लेवल 2 मेंटेन करना है यहाँ पर, और आपको लेवल 2 लॉस हो जाए तो लेवल 3 मेंटेन करना है इसे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और इसमें थोड़ा अमाउंट आप एक्स्ट्रा रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके बैकअप के लिए फायदेमंद रहेगा। अब चलते हैं हम लेवल जो आपका जो चौथा ट्रेंड है उस, देखिए अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर, 2 बिग देखा था हमने यहाँ पर, ठीक है, और 2 3 स्मॉल देखा था। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका 2 स्मॉल है और 3 बिग है। अब आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है, आपको जब भी 2 स्मॉल के बाद 3 बिग बन जाए, यहाँ आपको स्मॉल में एंट्री लेनी है लेवल 1, ठीक है, जो भी होगा आपका। फिर लॉस होता है लेवल 2 मेंटेन करके रखना है, सबके साथ यही कंडीशन है, जो भी रूल्स है सभी पैटर्न के साथ फॉलो होंगे। बस आप ध्यान दीजिए कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, इस बात को नोटिस करिए, कॉपी में लिख के रखिए। फिर लॉस हो तो आपको लेवल 2 फॉलो करना है और आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपका अंडर 4 लेवल आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। देखिए अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि
मैं जितने मान लीजिए पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ सब में मेरा लॉस हो गया 4 लेवल तक, तो फिर क्या करूँगा, मेरा सारा फंड चल जाएगा। देखिए पॉसिबल नहीं है कि सारे लेवल में आपका लॉस, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए किसी एक ट्रेंड में लॉस कर रहे हैं तो आपका दूसरा ट्रेंड कंटिन्यू चलते रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो आपको लेवल 1 फॉलो करते रहना है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको, देखिए जैसे ये आपका चल रहा है यहाँ पर, क्या आपका 2 बिग आया, यहाँ 2 स्मॉल आया, आपने यहाँ पर बिग में एंट्री लिया, तो आपका पैटर्न क्या चल रहा है, 2 बिग 1 2 स्मॉल 2 बिग। तो फिर आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो जाता बिग में एंट्री लेनी यहाँ पर, फिर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आपको उसके बाद स्मॉल में एंट्री लेनी है। ऐसे करके जो आपका ट्रेंड चल रहा है आपको उसको फॉलो करते रहना है, जब तक आपका लॉस नहीं हो जाए आपको ट्रेंड को फॉलो करते रहना है। अगर जहां आपका लॉस आए वहां पर आपको लेवल 1 पे आपको 10 रुपीज का लॉस लिख लेना है। इस बात का ध्यान रखें, ट्रेंड को फॉलो करते रहना। आपको एक प्रॉफिट, जैसे 10 का प्रॉफिट हो जाए तो आपको वहां पर स्टॉप नहीं करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका तो आप कंटिन्यू लेवल 1 जो 10 रुपए का जो भी अमाउंट है आपको फर्स्ट लेवल में, आप उसको उसको मतलब जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते रहना है। 2 बिग 2 स्मॉल आया, 2 बिग आया, तो उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहना। जहां आपका लॉस हो जाए वहां पर आपको 10 रुपए लिखना है। अब हम चलते हैं जो पैटर्न 5 उसकी ओर चलते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका आपका 2 बिग है, 1 स्मॉल है और 2 बिग है। ये पैटर्न भी आपने देखा होगा, जब भी इतना पैटर्न बन जाए आपका तो आपको एंट्री यहाँ स्मॉल में ले लेनी है। फिर आपको सेम पैटर्न इसको फॉलो करते रहना, जैसे अभी पीछे बताया ना आपको कि जो 2 बिग 2 स्मॉल चल रहा है इसमें भी सेम आपको फॉलो कर। यहाँ पर क्या आपके चलेगा, 2 बिग 1 स्मॉल, 2 बिग 1 स्मॉल, फिर यहाँ भी आपका 2 बिग हो जाएगा। सेम पैटर्न को आपको फॉलो करते रहना, कब तक करते रहना, जब तक कि आपका उस पैटर्न को जब तक टूटे ना और आपका लॉस ना हो जाए। जैसे आपका लॉस होता है यहाँ पर तो आपको लेवल 1 में 10 रुपए का लॉस लिख लेना है। आपको पहले से कॉपी पेन में सारे पैटर्न के सामने लेवल 1 लेवल 2 लिख कर रखना है। जैसे लॉस हो तो उस कॉपी के सामने आपको 10 रुपए इस पैटर्न में लॉस हुआ है आपको ये लिख लेना है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान नहीं रखे तो आप कंफ्यूज आएंगे कहाँ लॉस हुआ कहाँ नहीं, फिर आप हड़बड़ी में कुछ की कुछ खेलने लगेंगे, फिर आपका कंटिन्यू ऐसे लॉस हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए आप। चलिए हम 6 पैटर्न की ओर चलते हैं। देखिए अभी जस्ट इसका क्या है अपोजिट, यहाँ पर हमने क्या देखे थे, 2 बिग 1 स्मॉल 2 बिग। अब यहाँ पर क्या आपका 2 स्मॉल, यहाँ 2 स्मॉल है, 1 बिग है और 2 स्मॉल है। अब यहाँ पर आपको एंट्री यहाँ पर ले लेनी है, आप यहाँ नहीं लेनी, यहाँ पर जो आएगा जैसे यहाँ पर आपको किस में एंट्री लेनी है, यहाँ पर बिग में एंट्री लेनी है आपको। अगर लॉस हो गया तो आपको यहाँ पर 10 रुपये लॉस लिख लेना है। यदि पैटर्न फॉलो चल रहा है कंटिन्यू तो आपको कंटिन्यू पैटर्न में आपको प्रॉफिट करते रहना है। आपका जब लॉस हो जाए तो आपको यहाँ पर 10 रुपये का लॉस लिख लेना है। उस चीज को फिर जब भी पैटर्न बने आपको तो इस पैटर्न को फॉलो करना। अब चलते हैं हम दूसरे पैटर्न पे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका चल रहा है 2 बिग 1 स्मॉल 3 बिग, यहाँ आपको स्मॉल में एंट्री लेनी है। पैटर्न कंटिन्यू फॉलो करते रहना जब तक प्रॉफिट हो, अगर जहाँ लॉस हो जाए आपको यहाँ पर लॉस लिख लेना है। चलिए दूसरा चलते हैं, देखते हैं जस्ट इसी का अपोजिट। जब यहाँ पर 2 बिग था यहाँ पर, लेकिन 2 स्मॉल है, यहाँ पर सिंगल बिग, यहाँ पर 3 स्मॉल, ठीक है। तो आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है बिग में, फिर कंटिन्यू फॉलो करते रहना आपको। बस देखिए बहुत ऐसे और भी पैटर्न है, हम सारे पैटर्न नहीं बता सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कम से कम ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो ऐसे सारे पैटर्न हम लेके आएंगे, बस हमें आप थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू।